भारत के दुश्मन पाकिस्तान के लिए दो लाइनें पेश करना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा। ए पाकिस्तान, जितना बारूद तेरे देश में है उससे 3 गुना ज्यादा बारूद हम भारतीय दिवाली की रात में जला देते हैं। यह है भारत देश, यहाँ के हिंदू बड़े निराले हैं, कुछ हैं श्री राम के भक्त तो कुछ बाबर के साले हैं। लश्कर की सेना में जितने दाढ़ी वाले हैं उससे ज्यादा तो हरिद्वार में माला कंठी वाले हैं। ए पाकिस्तान, तेरी जमीन पर जितने घर हैं उतने तो भारत में शिवालय हैं। दो देशों को एक ही समय 1950 को आजादी मिली, एक मंगल पे पहुंच गया और दूसरा अभी भी भारत में घुसने की तरकीबें सोच रहा है। पाकिस्तानी बोलते हैं हम हिंदुओं को जिंदा जला देंगे, उनके लिए दो लाइनें पेश कर रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। जलते हुए दिए को परवाना क्या बुझाएगा, जो मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएगा। ना हम शैतान से हारे ना हम हैवान से हारे, कश्मीर में जो आया तूफान हम तो ना उस तूफान से हारे। यही सोच कर ए पाकिस्तान हमने तेरी जान बख्शी है, शिकारी तो हम हैं मगर हमने कभी कुत्ते नहीं मारे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं हिंदू हूँ, बिकने वाले तो और भी हैं, जाकर खरीद ले। हिंदू कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। किसी ने मुझसे कहा कि हिंदू की जनसंख्या इतनी कम क्यों है, मैंने उत्तर देते हुए कहा यह तो प्रकृति का नियम है, यदि शेरों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी जातियां खतरे में पड़ जाएंगी। यदि हिंदू हो तो शेयर करो, वरना इग्नोर तो दूसरी प्रजातियां भी कर देंगी। जय हिंद, मैं हिंदू हूँ, जय भारत। जाते जाते चंद लाइन और बोलना चाहूंगा अपने भारत के लिए। चीर कर बहा दो लहू दुश्मनों के सीने का, यही तो मजा है हिंदू होकर जीने का। जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या है उतने तो भारत में कैदी हैं। कैदियों को बोलो सजा माफ, साला कल सुबह होते होते पाकिस्तान साफ। कसम है हर पढ़ने वाले को भारत माता की, ये शेयर जरूर होनी चाहिए और कल सुबह तक हर किसी के व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर हर जगह होनी चाहिए। वीडियो तो देखा आपने, अब अगर अपने देश से प्रेम करते हो तो इस खबर को अभी शेयर कर दो।